और गाजा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने रात भर गाजा पर बमबारी की है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। रात भर गाजा में धमाकों की आवाज गूंजती हुई नजर आई है, सुनाई दी है, और कई जगहों पर आग की लपटें भी नजर आई है। तो गाजा में हमास के ठिकानों पर एक बार फिर से इजराइल की तरफ से बम बरसाए गए हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से धुएं का गुब्बार और आग की लपटें आपको अंधेरी रात में नजर आ रही है। इधर गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए इजराइल ने दो शरणार्थी शिविरों पर ताबड़तोड़ बमबारी की है, जिससे कई मकान तबाह हो गए। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई है, जिनके शवों को दीर अल बलाह में रखकर अंतिम संस्कार की प्रार्थना की गई। इधर हमले के बाद करीब 60 से ज्यादा लोग मलबों के नीचे दब गए, जिन्हें निकालने के लिए आसपास के लोग दौड़ पड़े। मलबों को हटाने के लिए क्रेन की भी मदद ली जा रही है। इजराइल का यह हमला गाजा के ब्यूरिज और नुसीरत शरणार्थी शिविरों पर किया गया था। इजराइल का दावा है कि इन दोनों शिविरों में हमास के आतंकियों ने पनाह ली हुई थी, जिन्हें खत्म करने के लिए यह हमला किया गया।